आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने 20 वर्षों तक न भोजन ग्रहण किया न जल ग्रहण किया, केवल पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 21 मार्च को संपूर्ण कलीसिया फ्लू के संत निकोलस का पर्व मनाती है। उनका जन्म 1417 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्हें भाई क्लाउस के नाम से भी जाना जाता है। संत निकोलस एक किसान, सेना प्रमुख, न्यायाधीश, पार्षद एवं राजनीतिज्ञ थे। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैंटोन के लिए लड़ाई की और उसके बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। उनकी शादी के बाद 465 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का निर्णय किया। एक दिन जब वे रात को सो रहे थे, उन्हें दिव्य स्वप्न दिखाई देता है जिसमें त्रिएक ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दो और मेरे पीछे हो लो। वे अपना सब कुछ त्यागने की सोचते हैं और अपनी पत्नी एवं बच्चों को त्याग कर वे जंगल में जाकर भिक्षु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धर्माध्यक्ष उनके लिए एक कुटीर तथा प्रार्थना का एक छोटा सा भवन बनवाता है। वे 20 वर्षों तक ना तो जल ग्रहण करते हैं ना भोजन ग्रहण करते हैं। वे केवल पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनकी आशीष पाने के लिए आते हैं। उनमें वे प्रभु का नूर देखते हैं। लोग भले ही गरीब हो या अमीर हो, हर जगह हर शहर से लोग उनसे मिलने के लिए और चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उनके पास आया करते थे। उनकी मृत्यु 21 मार्च 1487 को हुई। संत पिता पीयूष 12वें ने 15 मई 1947 को उन्हें संत घोषित किया। आइए क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी पवित्र हो और हम एकांत में जाकर प्रार्थना करते हुए लोगों की सुख समृद्धि के लिए निरंतर प्रार्थना करते हुए जीवन व्यतीत करें।